जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए और फ्रेश वीडियोस में। एंड गाइस, किस नई वीडियोस में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के फंटेसी टीम प्रडिक्शन के बारे में। एंड गाइस, जो कि मैं आपको बता दूं, ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग स्कोर कितना लोवेस्ट बनता है, जो कि फिलहाल जो कि सेकेंड इनिंग टीम होती है चेस करने में किस प्रकार से चेस करती है, नहीं कर पाती है। और फिलहाल इस जो मैच हुए हैं यहाँ पे स्टेडियम में तो किस प्रकार से हुए, और जो कि चेन्नई और मुंबई ने खेले हैं तो किस प्रकार से रन बनाए, किस बैट्समैन या बॉलर्स ने बढ़िया किया है, इस सारा कुछ आप डिटेल्स में जानने वाले हैं। एंड जो कि फिलहाल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड टीम कैसे आप बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कॉनवे को बनाना ठीक रहेगा या नहीं, कॉनवे कितना बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पे या फ्लॉप होगा, ये सारा कुछ हम जानेंगे पिच रिपोर्ट को देख करके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैच जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और 12 मई 7:30 बजे स्टार्ट होगा। टाटा आईपीएल का 59 मैच रहेगा। पिच रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम टेलीग्राम के बारे में जानते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टीमें प्रोवाइड करता हूँ, और जो कि फिलहाल टॉस के बाद के प्रेडिक्शन पॉइंट्स भी होते हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मेरा नाम सर्च कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना आएगा। ये चैनल आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एंड फिलहाल यहाँ पे जो टीम हमारी थी किस प्रकार से थी, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कि मतलब टीम का मैनेजमेंट ख़राब हुआ वो हुआ है मतलब राजस्थान रॉयल की तरफ से। ठीक है, हमें संजू सैमसन से एक्सेप्ट किया, संजू सैमसन ने बैटिंग नहीं किया करके बहुत लेट आया, उस हिसाब से वाइस कैप्टन जो कि हमारा बहुत कम पॉइंट देख गया। एंड यहाँ पर जॉर्ज बटर ने एक गलती की जो कि कैच दे करके, ठीक है, और लास्ट गेंद में सोच रहा था स्ट्राइक ले लूँ, उस हिसाब से गैप। बाकी आप टीम अगर आप देखते किस प्रकार से हमारी टीम होती, नॉर्थ जेज चहल एंड उसके बाद मिचेल मास, मैं सोच रहा था मिचेल मास को कैप्टन बनाने के लिए, बट मैंने फिर ड्रॉप किया, वाइस कैप्टन बनाया। फिर भी मैंने क्लियर किया था कि आप हेड टू हेड में खेल सकते हैं, अच्छा विन हो जाएगा। हेड टू हेड में कन्फर्म हमारा विन भी हुआ है। रविचंद्र अश्विन को हमने दोनों टीम में रखा है, और जो बहुत लोग हैं मतलब जो मैनेजमेंट है वो रविचंद्र अश्विन को रख ही नहीं पाए। ठीक है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ड्रीम इलेवन पर तो नहीं रख पाए होंगे, और क्योंकि मैं खुद नहीं रख पाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रियल इलेवन पे कंफर्म है कि क्रेडिट का कोई मसला नहीं होता और हम अपने टीम में कोई भी प्लेयर पिक कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन और पॉइंट्स कुछ यहाँ पे मैंने ये आइडियो में शेयर कर दिए थे। ठीक है, जो क्या जिन भाइयों ने देखा होगा, तो जॉर्ज बटर के बारे में बताया था कि फ्लॉप रहेगा, फ्लॉप हो सकता है, बहुत सारे लोग बनाएंगे, और जो कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आप ग्रैंड लीग का बनाएंगे सारा कुछ मैंने बता दिया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज के इस मैच में किस प्रकार से क्या यहाँ पे फिलहाल जैसे जॉर्ज बटर की जैसे कौन में भी फ्लॉप होने वाला है ये सारा कुछ हम जानते हैं। तो फिलहाल पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, द पिच विल हेल्प राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल जो कि द फील्ड विल बी स्मॉल बट रन्स आर स्कोरेडलेस, यानी कि जो फील्ड है यानी कि वानखेड़े स्टेडियम है तो छोटा स्टेडियम है। ठीक है, बट यहाँ पे आपने नोटिस जरूर किया होगा जो भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं तो हाईएस्ट स्कोर नहीं बन पाया, मतलब स्टेडियम छोटे की वजह से यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग तो छोटा स्टेडियम में तो रन बहुत बढ़िया बन जाएंगे, बैट्समैन बढ़िया कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सारे हमने मैचेस यहाँ पे कवर किए हैं, आपने भी देखे कि जो मैच यहाँ पे स्कोर होता है 170 180 180 बहुत मुश्किल 160 170 वानखेड़े स्टेडियम में, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बैट्समैन विल ऑल्सो डू वेल, यानी कि बैट्समैन तो अच्छा कर ही सकते हैं क्योंकि छोटा स्टेडियम में रहेगा और आउट भी बहुत होगा, पावर प्ले में विकेट जाएगी यहाँ पे, ध्यान रख लीजिए आप। विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग विल बी ए गुड डिसीजन, टॉस विन करके जो बॉलिंग का फैसला लेगा तो अच्छा डिसीजन है वो आप जानते हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन कैन डू वेल, यानी कि रोहित शर्मा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में, और इस ग्राउंड पे अच्छा मारा भी है मतलब रोहित शर्मा ने, गायकवाड़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कॉनवे का फिलहाल अगर हम बात करें तो कॉनवे देख ही सकते हैं किस प्रकार से हाइएस्ट पे हाइएस्ट स्कोर मतलब बनाते जा रहा है, बाकी देख ही सकते हैं। और आज के इस मैच में क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, यानी कि सीएसके के तो कुछ होगा नहीं चेंज, और जहाँ तक होता भी है तो फिलहाल मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं अपडेट आपको शेयर कर देता हूँ। गायकवाड़, ठीक है, इस ग्राउंड की अगर हम बात करें वानखेड़े स्टेडियम में, तो फिलहाल यहाँ पे गायकवाड़ ने 30 रन मारे, डेविन कॉनवे ने प्लेइंग में शामिल, देखते हैं कि तो गाइस कॉनवे जो कि प्लेइंग में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, और रॉबिन थप्पा का भी अगर आप फॉर्म देखते हैं तो कुछ खास नहीं, 3 ही रन का है रॉबिन थप्पा का। और मोइन अली तो अभी 2 मैचेस देख रहे हैं किस प्रकार से बॉलिंग भी मिल रही है, 4 ओवर 3 ओवर, ठीक है 3 ओवर प्लस मिल रही है, स्पेल का 3 से 4 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं। और ऐसे हम यहाँ पे फिलहाल मोइन अली को बॉलर्स ही रखेंगे अपनी टीम में। ठीक है, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करते हैं तो बॉलर्स के लिए, और मैं आपको बता दूँ अगर ठीक है सेकेंड इनिंग चेन्नई बैटिंग करती है तो मोइन अली हमारी टीम में का कैप्टन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ
मोइन अली सेकेंड इनिंग में हमारी टीम का कैप्टन रहेगा, और जहाँ तक फिलहाल मोइन अली सेकेंड इनिंग में मुझे लग रहा विकेट भी नहीं लेगा, फर्स्ट इनिंग में विकेट लेगा, ये भी एक कन्फ्यूजन रहेगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग में तो आज कॉनवे का कुछ अच्छा हाल नहीं होने वाला, ठीक है, कॉनवे का हॉल अच्छा होने में सेकेंड इनिंग मतलब अच्छा कर सकता है कॉनवे, क्योंकि सेकेंड इनिंग फिलहाल चांसेस रहेंगे सामने मुंबई इंडियंस है तो हाईएस्ट स्कोर होगा नहीं, और फिलहाल कॉनवे को एक इम्पोर्टेंस मिल सकती है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में तो मेरे हिसाब से जो कि फिलहाल कॉनवे का कुछ अच्छा हाल नहीं होगा, कैप्टन बनाने लायक नहीं रहेगा। फर्स्ट इनिंग में आप जो कि ग्रैंड लेकर बताओ मोइन अली को ही बना दीजिएगा, ऐसे हम बॉलर्स के लिए ही मोइन अली को रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देख रहे 2 विकेट 3 विकेट एंड बैटिंग ऑर्डर आपको पता ही कितना डाउन है, मतलब मोइन भाई धोनी जब से कप्तानी ली किस प्रकार से मोइन अली को बैटिंग करा रहा नीचे, मतलब ओवर करा रहा है स्पिन का, तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर डाउन भी है। कभी कभार कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, चेन्नई टीम से ओपनिंग कोई आ सकता है, सेकेंड इनिंग मिड डेथ में भी जो कि बता दूँ कॉनवे जा सकता है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी कुछ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से मोइन अली कैप्टन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के तौर पे हम बनाएंगे, ठीक है। और शिवम दुबे का परफॉर्म देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इस पिच में इस ग्राउंड पे वो आप देखेंगे, तो फिलहाल इस ग्राउंड पे जो कि मैं आपको बता दूँ एक मैच तो शिवम दुबे ने नहीं खेला है, ठीक है, बाकी 19 रन है यहाँ पे, 32 रायडू 78 रन है, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पे आपने देखा बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं था और बैटिंग जहाँ तक आई भी नहीं, राइट, रविंद्र जडेजा अगर देखते तो 21 है, और आना ना आना वही है कि 4 से 5 रन क्या होता है, ठीक है, 21 रन रविंद्र जडेजा इस ग्राउंड पे। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें तो फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी का कुछ बैटिंग ऑर्डर खास ही नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं एज ए विकेट कीपर रख सकते हैं कि मतलब कैच वगैरह मिलेंगे तो कुछ पॉइंट्स मैनेज हो जाएंगे। महेश टिकासाना की अगर बात करें तो 1 विकेट इस ग्राउंड पे है, ब्राव 2 विकेट, ठीक है, मुकेश चौधरी कोई विकेट नहीं मिली मुकेश चौधरी को, रोहित शर्मा की बात करें तो 39 रन, ठीक है। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो फिलहाल चेंजमेंट तो होगा नहीं प्लेइंग में, मैं आपको बता दूंगा, रोहित शर्मा को मैंने बताया कि राइट हैंडेड बैट्समैन कुछ कर सकते हैं और पिच भी ग्राउंड भी कर रहा है, तो यहाँ पे उन 39 रन है। ईशान किशन आप देख रहे हैं 8 पे, यानी कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थोड़ा फ्लॉप नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड पे। डेवाल्ड ब्रोसिस तो प्लेइंग में शामिल नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज शामिल होगा, सूर्य कुमार यादव में नहीं है, डेवाल्ड ब्रोसिस में नहीं, तो मैं किसी एक को बैकअप होना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव तो फिलहाल यहाँ पे 7 रन है। तिलक वर्मा अच्छी पारी यहाँ पे 38 इस ग्राउंड पे, रमनदीप सिंह नए बैट्समैन है, फिलहाल अगर सूर्य कुमार यादव डेवाल्ड ब्रोसिस नहीं आते तो एक टीम में हेड टू हेड में आप सोच सकते हैं। टीम डेविड की बात करें तो फिलहाल हिटर बैट्समैन है, बट कुछ खास कह नहीं सकते कि चलेगा नहीं चलेगा, ट्राई करना नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। कैरन पोलार्ड देख सकते हैं यहाँ पे 19 रन 2 विकेट है इसी ग्राउंड पे, बैटिंग ऑर्डर तो आपको पता है डाउन है, बट मिल भी सकती है बैटिंग, क्योंकि मुंबई इंडियंस के टॉप के जो बैट्समैन है किस प्रकार से आउट होते हैं वो भी आप क्लियरली जानते हैं, ठीक है। 2 विकेट हैं और 1 से 2 ओवर हर मैच में मतलब अपनी स्पेल करा रहे हैं, और 2 ओवर कराने का मतलब कि एक विकेट मिलती है तो फिर मतलब पहले अगर मिल गई तो फिर उसके बाद दूसरा ओवर में अगर एक चांस तो बन जाता है, क्योंकि बैट्समैन जो होते हैं दबाव में आ जाते हैं फिर मतलब बॉलर्स को मारने की कोशिश नहीं करते। ऋतिक शौकीन फिलहाल अभी मैच में शामिल नहीं हो रहे, बट यहाँ पर 25 इसका स्कोर है इस ग्राउंड पर। बुमराह 1 विकेट, मतलब आप इस मैच में भी बुमराह से एक्सेप्ट कर सकते हैं विकेट, और विकेट लेगा। मैंने आपको यहाँ पे जो 3 विकेट निकाले थे मैंने बताया था ग्राउंड पे कि आज इस वाले मैच रिसेंटली मैच बताया था कि अच्छा करेगा और विकेट लेगा, तो क्या हुआ 5 विकेट निकाले, यहाँ पे इस ग्राउंड पे 1 विकेट है तो आज भी कुछ चांसेस हैं बुमराह के और विकेट निकालेगा, क्योंकि सामने भी जो टीम है मतलब चेन्नई है, तो मैं बता दूँ कि देखो बॉलिंग कराएगा, अगर कॉनवे को गैकवर्ड नहीं चलते तो बुमराह को अच्छी विकेट मिल जाएगी, ठीक है। मुर्गन अश्विन दोनों मैचेस में विकेट निकाल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, रखने लायक प्लेयर रहेगा। ग्रैंड लीग में बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, जैसे कुमार कृतिक को बहुत कम लोग, रेली मर्दित को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, बुमराह को तो सभी लोग रखने वाले हैं, बता दो बुमराह होगा, जैसे कि डेनियल सैम्स होगा, और फिलहाल तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव खेलता कर तो ईशान किशन रोहित शर्मा ये सब मतलब हाईएस्ट प्लेयर रहेंगे जिनको बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे। अब मुंबई इंडियंस से इंपॉर्टेंट प्लेयर कुमार कृतिक का, रेली मर्दित, मुर्गन अश्विन, ये 3 में कोई तो रहेगा मतलब जिनको आप रखेंगे तो अपनी टीम में कुछ इंपॉर्टेंस मिल जाएगा अगर विकेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग होने वाले, और मेरे हिसाब से रैली मारते थे इसमें विकेट लेगा इस ग्राउंड पे, 2 विकेट हैं आप देख सकते हैं रैली मारते इसी ग्राउंड पे, तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा इस ग्राउंड पे विकेट लेकर के जाएगा एंड हम टीम में जरूर रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं मुकेश चौधरी को सभी लोग रखने वाले हैं, महेश टिकासाना को रखने वाले हैं, ब्रावो को भी रखने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन से, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करेंगे क्योंकि यहाँ पे किस रन है मतलब बॉल ओवर मिल रहे हैं बट कुछ खास हो नहीं पा रहा, ठीक है। अंबती रायडू को यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 का स्कोर है अंबती रायडू का इसी ग्राउंड पर, तो बैटिंग ऑर्डर डाउन है अभी फिलहाल, तो उस हिसाब से कंफर्म नहीं नहीं बट प्लेयर बढ़िया रहेगा, ठीक है, अंबती रायडू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तीसरे नंबर रूपन थप्पा उतार करके फिर कभी कभी अंबती रायडू चौथे नंबर पर, या तो फिलहाल मोहम्मद सिंह धोनी खुद ही आ जाते, मतलब कन्फ्यूजन रहेगा,
बट अम्बित रेडू की परफॉर्म बढ़िया, टीम में ट्राई करने लायक प्लेयर रहेगा, चाहे ट्राई कर सकते हैं, कब करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये परफॉर्म आपने देखा और एक दूसरे के वर्सेस में अभी तक चेन्नई और मुंबई का इस स्टार्ट आईपीएल सीजन में फिलहाल फर्स्ट मैच रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्कोर मैं आपको नहीं बता सकता कि वर्सेस में किस प्रकार से, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि इस ग्राउंड पे फिलहाल फास्ट बॉलिंग राइट आर्म फास्ट बॉलर्स रहेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये कुछ नोटिस करने की बात रहेगी, आप इसको देख लीजिए, कन्फर्म आपकी बनी हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करते तो टॉस के बाद का प्रेडिक्शन बिल्कुल फायर होता है आपके भाई का, मैं आपको क्लियर करता हूँ जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि मिचेल मार्श को कल भी हमने वॉइस किया, मैंने सोच रहा था, ठीक है, मैं सोच रहा था कि कैप्टन मिचेल मार्श को बना दें क्योंकि ओवर मिल रहे हैं स्पेल के, चार ओवर और विकेट भी लेकर के जा रहा है, बैटिंग ओवर भी टॉप पे तीसरे नंबर पर, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था, पर फिर मैंने चले नहीं थी और मैंने आपको भी ऑडियो में मैसेज में क्लियर कर दिया था कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आप बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था वहाँ पे। ठीक है, जिन भाइयों ने सुना होगा अच्छा विन किया होगा, बट हेड टू हेड तो कन्फर्म उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो तो विन करते ही हम। ठीक है, ग्रांडी के लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ वो टेलीग्राम पर। ठीक है, टीम क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे मैं अगर कुछ प्रेडिक्ट करूँ तो गायकवाड़ कॉनवे का मैंने बताया कि आप फिलहाल फर्स्ट इनिंग जहाँ तक नहीं चलेगा, सेकंड इनिंग कुछ कर सकता है, बट उतना भी आप एक्सेप्ट मत करिएगा। ठीक है, जितना हाईएस्ट रन है यहाँ पे उतना भी एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि सामने जो है रैली मेरदित विकेट निकालते हुए नज़र आ रहा है इस ग्राउंड पे, बुमराह भी ले रहा है, तो मतलब कुछ अलग होगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। मोइन अली को एज ए कैप्टन आप चूज़ करते हैं तो फिलहाल बॉलर्स के तौर पर चूज़ करें, बैटिंग तो डाउन है ये आपको पता ही है, बाकी आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से। महेश श्री का सना विकेट लेकर के ज़रा ब्राव को भी रख लीजिए, अच्छी विकेट ले रहा, दो विकेट है, एंड बुमराह को भी रख लीजिए आप। मतलब बॉलर्स तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस ग्राउंड पे रन भी नहीं बनते और विकेट भी बहुत कम जाती हैं। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑल आउट भी 8-9 विकेट भी हुई है। बाकी ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि यहाँ पे मुंबई भी देख रहे हैं ऑल आउट भी हो सकती है, चेन्नई भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब विकेट बचा करके खेल रही है, तो बाकी देखते हैं टीम क्या होगी, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे मेरी टीम देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग की टीम हमने बनाई, फर्स्ट इनिंग में अगर फर्स्ट इनिंग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग कर चेन्नई बैटिंग करती है तो मोइन अली कैप्टन रहेगा, देख रहे हैं दोनों मैचेस में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके मोइन अली और फिलहाल मतलब बढ़िया विकेट ले रहा 2 और 3 दो मैचेस में। कॉनवे फर्स्ट इनिंग में कुछ खास करेगा नहीं इस ग्राउंड में, बता रहा हूँ आज की इस मैच में, क्योंकि कोई स्कोर है नहीं, सामने जो टीम है भाई यहाँ पे बुमराह में विकेट ले रहा है, रैली मेरदित पे ले रहा है, तो आप यहाँ पर डेनियल जेम्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, रैली मेरदित को रहती क्योंकि वो जो कि हमारा मतलब प्रेडिक्शन रहेगा वो कुछ अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 59% लोग रखेंगे, ज़्यादातर टीम में रहेगा डेनियल जेम्स, बट यहाँ पे रैली मेरदित की हम बात करते हैं देख लीजिए, यहाँ पे बहुत कम लोग 15% लोग यहाँ पे रख रहे हैं, बट इस ग्राउंड पे विकेट ले रहा 2 विकेट, तो आप यहाँ पे रैली मेरदित को इस गेम में ट्राई करें और ये इंपॉर्टेंस रहेगा। आपको बता रहा हूँ ये दोनों ऐसे बॉलर रहेंगे कि विकेट निकलते हैं 4-4 ओवर कराएंगे, तो मतलब लपेटे में तो कोई बैट्समैन आ ही जाएगा, ये ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉनवे, शिवम दुबे, गायकवाड़ या तो ईशान किशन, चारों में किसी एक को वाइस कैप्टन बनाइए, बट मोइन अली कैप्टन के लिए बढ़िया रहेगा। 4 ओवर करा रहा भाई, बैटिंग अगर मिलती है ऊपर की टॉप की बैटिंग यहाँ पर डाउन होती है, मतलब फिलहाल विकेट गिरती है, तो कन्फर्म रहेगा कि मोइन अली बैटिंग करेगा, बैटिंग मिलती है, ठीक है, बहुत ही कम, अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर पहले नहीं आता है तो फिर मोइन अली कन्फर्म रहेगा कि अच्छा परफॉर्म कर सकते। ये टीम हमारी रहेगी, आप ग्रैंड लीग टूरी स्मॉल लीग कहीं पर भी यूज़ करते हैं, विनिंग कन्फर्म है। बाकी जो और टीम होती है 2 से 3 टीम शेयर करता हूँ मैं, कन्फर्म कर देते हैं कुछ चेंजमेंट वगैरह होता है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, विन आपका कन्फर्म होगा। और फिलहाल अगर आपके यहाँ पे कोई क्रेडिट का मसला होता है तो आप रियल पे खेल सकते हैं, गिव वे सेकेंड इनिंग भी वहाँ पे खेल सकते हैं, मैं टीम भी आपको भेज देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप सब कुछ पता चलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत।